वहीं बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। यहां सड़क नहीं होने की वजह से पगडंडी के सहारे गर्भवती महिला को 5 किलोमीटर तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के 2019 का बजट था करीब 95,899 करोड़, पर विकास कैसा हुआ उसकी ये तस्वीर देखिए। यह बलरामपुर का सिंदूर गांव। यहां गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को किसी तरह से 5 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाया गया, तब जाकर महिला को महतारी एम्बुलेंस मिल पाया। खाली डोली में ढोवा के ले जा रहे हैं, यहाँ गाड़ी आने के लिए व्यवस्था नहीं है, और गाड़ी आती है तो बोल देते ही जे नहीं है, चक्का हमारा ठक जाती है, फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इलाके की कोई पहली घटना है, हर बार मरीजों को इसी तरीके से ले जाया जाता है, और बारिश में तो इस इलाके के हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। हमारा नतनिन है, नतनिन को ले जा रहा हूँ, हॉस्पिटल डिलीवरी केस है, बहुत दिक्कत है, इसके चलते हम लोग बलरामपुर ले जा रहे हैं। हरदम इसी ही होता है सर, देखिए कि जब हर समय डिलीवरी केस भी होता है तो इसी ही डोली पालकी करते हैं, तब तक यहाँ पर लाते हैं। सरकार विधानसभा में अपने किए गए कार्यों को लगातार गिनाती रही है, पर लगता है वो विकास कागजों पर ही होते होंगे, क्योंकि इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। टीम न्यूज़ स्टेट।